निनाद ने कर लिया है सई को एक्सेप्ट। ऐसे में सई की खुशी पत्रलेखा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पाखी को कुछ नोट्स लौटाने के लिए अजिंक्य उसके घर आएगा और अजिंक्य की मुलाकात हो जाएगी पत्रलेखा से, जो पूछता हुआ नज़र आएगा कि सई कहाँ पर है, आप उसको बुला देंगे, मुझे उसे ये नोट्स देने हैं। यहाँ पर पत्रलेखा मौके का फ़ायदा उठाते हुए सई के लिए गड्ढा खोदती है और उसके खिलाफ साजिश रचती है। वो अजिंक्य से कहती है कि दरअसल सई के ना सर में थोड़ा सा दर्द है, इसीलिए शायद वो नीचे ना आ पाए। एक काम करो ना, तुम जाओ जाकर के ऊपर सई को उसके बेडरूम में मिल लो, और वैसे भी तुम तो उसके फ्रेंड हो और विराट भी तुम्हें जानता है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अजिंक्य भी नॉर्मल बात समझ कर उसके बेडरूम में चला जाता है और सई जैसे ही डोर ओपन करती है, वो अजिंक्य को देख कर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और उसे अपने रूम में आने देती है। उधर विराट डिनर टेबल पर कुछ कर रहा होगा बैठकर, तभी वहाँ पर पत्रलेखा को चाय कॉफ़ी और नाश्ता ले जाते हुए वो पूछेगा कि क्या हुआ, कोई आया है क्या हमारे घर में। तभी पत्रलेखा आग में घी डालते हुए कहती है कि हाँ, वो तो सई का जो फ्रेंड है अजिंक्य, वो आया है ना ऊपर तुम्हारे बेडरूम में बैठा है, तो उन्हीं के लिए मैं चाय नाश्ता लेकर जा रही हूँ, क्योंकि वो सई का बहुत अच्छा दोस्त है ना। विराट ये सुनकर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और गुस्से में लाल होते हुए कहता है कि उसको बेडरूम में जाने के लिए किसने कहा, और वो गुस्से में सई के कमरे की तरफ दौड़ता है। वहाँ पर सई जैसे ही पड़ रही होती है, उसे खांसी आती है और अजिंक्य उसे देखकर पानी ऑफर करता है, और जैसे ही सई अजिंक्य के हाथ से पानी पी रही होती है, तभी कमरे में हो जाती है विराट की एंट्री, और वो इन दोनों की इतनी क्लोजनेस देखकर सई पर लगाने वाला है ऐसे ऐसे भद्दे इल्ज़ाम, क्योंकि उसका दिमाग पत्रलेखा ने कर दिया है ख़राब, और इसके बाद सई एक ऐसा बड़ा कदम उठाएगी जिसके बाद विराट को होने वाला है काफ़ी ज़्यादा पछतावा। ये सब कुछ आप देखेंगे आगे आने वाली रिपोर्ट में, लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल सीरियल सियाह पर सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको देते हैं आप ही के फेवरेट शोज से जुड़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें।